हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खरबूजे के बीज छीलने का तरीका। बिल्कुल इजीली छिल जाते हैं, कुछ नहीं है। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी के लिए बनाना है खरबूजे के बीजों का पाक, और बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम खरबूजे के जो बीज आते हैं, खरबूजे के अंदर से जो बीज निकलते हैं, उनको पानी से धो करके, अच्छे से वॉश करके, उसको छान करके फिर हम किसी प्लेट में धूप में सुखा देंगे 2 दिन तक। धूप में सूखने के बाद, अच्छे से सूखने के बाद देखिए ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए कैसे हो गए ये। अब हम इन्हें छीलेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है छीलने का, कुछ नहीं करना है। हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखना है, आधे घंटे के लिए। देखिए मैंने इन बीजों को पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें पानी में से निकाल करके किसी साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, कॉटन के कपड़े से। मैंने देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इन्हें अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया है, बिल्कुल सुखा लिया है। अभी हम इन्हें छीलेंगे। इनका छिलका पानी में भीगने की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और अभी आराम से हम इन्हें छील सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से छील रहे हैं हम इन्हें। देखिए अब इस तरीके से छीलने के बाद आपके क्या होगा, नेल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे बीज के छिलके बहुत टाइट होते हैं तो नेल्स में भी लग जाती है। इस तरीके से देखिए कितनी जल्दी आराम से छिल रहे हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत जल्दी छिल जाते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में हम लोगों ने कितने सारे बीज छील लिए हैं। इस तरीके से आप लोग भी छीलिए, और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से छिल जाते हैं। और फिर जन्माष्टमी पर इनसे पाक बनाइए। थैंक यू।